भाई अगर आप भी जीबी व्हाट्सअप यूज करना चाहते हो ना तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपका जीबी व्हाट्सअप ऑन हो पाएगा। देखो यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप है, इसको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं ओपन करके। तो देख सकते हो यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप ओपन हो चुका है मेरा, और यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ऑनलाइन हाइड, डिलीटेड मैसेज, लास्ट सीन भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सब कुछ पहले की तरह आपको मिलेगा। तो कौन सा जीबी व्हाट्सअप है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे लॉगिन करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा ए टू जेड वीडियो को देखना, पूरा ध्यान से देखना, तभी हो पाएगा। कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आपका जीबी व्हाट्सअप ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका वर्ज़न दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जीबी सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं अपडेट्स पर, और फिर यहाँ पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा वर्ज़न इसका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप चेंज लॉग, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो करेंट वर्ज़न है, करेंट वर्ज़न है इसका जीबी व्हाट्सअप v20.70, यही वाला जीबी व्हाट्सअप काम करने वाला है। तो आपको इधर उधर कहीं पे गूगल पर जाकर सर्च नहीं करना है जीबी व्हाट्सअप लेटेस्ट वर्ज़न। आप लोग जाकर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करते हो, फिर आपको क्या मिलता है, आपको बताया जाता होगा एंड्रॉयड मोड्स जीबी व्हाट्सअप। और जैसे ही आप इस लिंक पे जाते होंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला व्हाट्सअप मिलता होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट ये वाला व्हाट्सअप आपके फ़ोन में काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर नीचे आके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला व्हाट्सअप आपको देखने को मिलता होगा जीबी व्हाट्सअप लेटेस्ट वर्ज़न फॉर एंड्रॉयड v18, इसका वर्ज़न 18 है, 70 MB का है, ये वाला आपको देखने को मिलता होगा। यहाँ पे डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होती होगी, और इसको ओपन करते होंगे तो लॉगिन प्रॉब्लम होती होगी। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती होगी। तो इसको अब गोली मारना है, इसको छोड़ना है, इस व्हाट्सअप के चक्कर में नहीं रहना है। ये वाला जीबी व्हाट्सअप आपका काम नहीं करने वाला है। मैं आपको सिंपल आसान तरीका बताता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बैक जाना है सिंपल, और टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। टेलीग्राम ऐप को ओपन करके आपको क्या करना है, हमारे चैनल का नाम सर्च कर लेना, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर हमारे चैनल पर आ जाओगे डायरेक्ट। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर देखोगे एक मैसेज यहाँ पर पिन है, जीबी व्हाट्सअप प्रो v20.70, इस पिन किए हुए मैसेज पे क्लिक कर देना। अब देखोगे यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप प्रो का v20.70 यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ऊपर फाइल है, ये लिंक नहीं है, फाइल है, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डाउनलोडिंग हो रहा है, अभी डाउनलोडिंग होगा, फिर अपडेट करोगे आपका जीबी व्हाट्सअप चल पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया फाइल। अब जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना, अगर पहले से यूज करते होगे जीबी व्हाट्सअप आपके फ़ोन में होगा तो बस यहाँ से फाइल को डाउनलोड करके अपडेट पे क्लिक कर देना। अपडेट पे क्लिक करोगे इंस्टॉलिंग होगा, इंस्टॉल करके ओपन करोगे आपका जीबी व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐप इंस्टॉल्ड हो गया, अब इसको ओपन करोगे आपका सारा का सारा चैट यहाँ पर वापस देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर सारा का सारा चैट मेरा वापस आ गया। तो कैसे इस जीबी व्हाट्सअप को मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आप डायरेक्ट लॉगिन करने जाओगे पहले से जिस नंबर से जीबी व्हाट्सअप यूज करते होगे, तो डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा। आप नया नंबर से लॉगिन करोगे डायरेक्ट तो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन पुराने नंबर से लॉगिन नहीं होगा। तो आप कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आपको उसी नंबर से ऑफिशियल व्हाट्सअप में आपको लॉगिन करना होगा सबसे पहले। फिर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे देखोगे लिंक डिवाइस होगा, लिंक डिवाइस पर क्लिक करके, लिंक डिवाइस पर क्लिक करोगे फिर उसमें स्कैनर आएगा, स्कैनर को स्कैन करोगे फिर आपको इस तरह से लिंक हो जाएगा आपका डिवाइस। तो आपके फ़ोन में दोनों रहेगा, व्हाट्सअप ऑफिशियल व्हाट्सअप और जीबी व्हाट्सअप, दोनों यूज करना पड़ेगा आपको। दोनों पे मैसेज आएगा, बट जीबी व्हाट्सअप में आपका एडवांस फीचर होगा, सारा मॉडिफाइड फीचर आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्मल व्हाट्सअप में नॉर्मल फीचर होगा। तो नॉर्मल व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, और जीबी व्हाट्सअप को यूज करना, आराम से चलाओ इस तरीके से। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो कैसे जीबी व्हाट्सअप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, मेरा प्रोफाइल पे आ जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पे आ जाओगे। मेरे प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे इंस्टा प्रो का भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जीबी व्हाट्सअप का भी यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जीबी व्हाट्सअप v20.70 वाला लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही
यहाँ पे डायरेक्ट फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट फाइल आ गया। अब इस फाइल पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ से फाइल डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ से भी इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से कंटिन्यू करोगे फिर यहाँ पे फाइल डाउनलोडिंग आपका शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड एनीवे कर देना। अब यहाँ पे देखोगे GB व्हाट्सएप प्रो V20 यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। अगर यहाँ से भी इंस्टाग्राम से डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपको एक और तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल देखोगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो व्हाट्सएप चैनल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल में आ जाओगे। तो मेरा चैनल पे आ जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है। यहाँ पे देखोगे ये 20.70 वाला फाइल यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर देना। व्हाट्सएप से भी ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, GB व्हाट्सएप लेटेस्ट फाइल को। और इसको जैसे इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने बताया कि लिंक डिवाइस करके यूज कर सकते हो, तो वही तरीका अपनाना, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा लॉगिन करने। और अभी भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम पे स्क्रीन शॉट भेज देना जो भी प्रॉब्लम हो, और इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।